आपका आभार व्यक्त करती हूं सभापति महोदय। आपने मुझे आज फिर मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र के बेहद मार्मिक विषय को रखने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, यूं तो मैं इस विषय को 3 से 4 बार लिखित रूप में और मौखिक रूप में दोनों ही तरह से मैं सदन के माध्यम से प्रस्तुत कर चुकी हूं अपने पर्यावरण मंत्रालय को, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से फिर से मैं अपनी बात को वहां तक पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है। मुझे चौथी बार इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे क्षेत्र की ये मांग है। सभापति महोदय, बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के विधानसभा धौनी के रूदा, भदौरा और मझगवा गांव में बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत विस्थापन की प्रक्रिया जो है वो 21 जनवरी 2008 को लागू की गई थी, और उसके तहत हमारे तत्कालीन सरकार ने 13 अप्रैल 2017 को विस्थापन की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, तब से लेकर अब तक गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, चूंकि राशि इतनी कम है, मैं कई बार अपने केंद्र सरकार को आग्रह कर चुकी हूँ, फिर से मैं इसके माध्यम से आपके माध्यम से मैं अपना निवेदन पहुंचाना चाह रही हूँ, राशि इतनी कम है कि वो विस्थापित नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, गांव का एक व्यक्ति जो गरीब होता है, जो किसान होता है, जो गांव में घर बनाता है, मैं शून्य काल है अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन एक मिनट की सीमा है, एक मिनट की सीमा भी है, प्लीज। मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे मेरी बात को रखने का अवसर दें। जब वो गांव में अपना घर बनाता है अध्यक्ष महोदय, तो वो सिर्फ मिट्टी का उपयोग नहीं करता है, ना तो अपनी मेहनत का उपयोग करता है, वो उसमें अपनी संवेदना, अपनी भावना, अपने परिवार का प्यार और अपनी सोच और अपनी आशाएं उस कच्चे मकान में उपयोग करता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे केंद्र सरकार की तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ जो विस्थापन की प्रक्रिया के तहत उस गाँव में निवासरत है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, पूरे देश के कोने कोने में बिजली जगमगा रही है अध्यक्ष महोदय, लेकिन उस गांव तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूं, और लगातार सबसे संवेदन विषय इसलिए आया है यहां पर कि वहां पर जो उनके जीवन यापन का स्रोत है, जो उनके आय का स्रोत है, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, और खासकर मनुष्य जंगली मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूं, जंगली जानवरों के माध्यम से उस पर हमला किया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, आग्रह कर रही हूँ कि परिसंपत्तियों का मूल्यांकन तो ठीक तरह से हो ही, नियम के अनुसार तो केंद्र सरकार मुआवजा दे ही रही है, लेकिन संवेदनाओं के आधार पर उनके इस मुआवजे की राशि को बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे उनका जीवन एक मिनट की मर्यादा का ध्यान रखें। धन्यवाद।